हजारों साल पहले पाषाण युग में भोजन की खोज यही आदि मानव के जीवन का मुख्य उद्देश्य था। भोजन हेतु अपने शिकार की खोज में वह जगह जगह घूमता रहता और अस्थायी रूप से गुफाओं में रहता था। समय के साथ उसने खेती करना सीखा और अपना घर बनाकर एक जगह रहने लगा। जल्द ही वो अपनी जरूरत से ज्यादा अन्न उपजाने लगा और इस तरह व्यापारिक लेन देन की शुरुआत हुई। पास और दूर के देश प्रदेशों से व्यापार करने के उद्देश्य से उसने बैलगाड़ी और नावों का निर्माण किया। जैसे जैसे उसकी जीवन शैली में स्थायित्व आता गया, उसे दूसरे कौशल विकसित करने का समय मिला। इस प्रकार मानव ने सभ्यता की नींव रखी। जल जीवन है और इसलिए प्राचीन मानव ने जब मिट्टी, पत्थर, ईंटों और लकड़ी से अपने घर बनाए तो ये घर साधारणतः किसी नदी के किनारे थे। बहुत सी नदियों के पास सुनाने को महान कथाएं हैं, कथाएं उनके किनारे पनपने वाले सभ्यताओं की। मनुष्य का जीवन इतना लंबा तो नहीं होता कि वो आने वाले सदियों से अपने अनुभव बांट सके, पर उनके घरों के खंडर, उनकी कला और दूसरे अवशेष हमें उनके बारे में बताते हैं। इनकी सहायता से हम 5000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में पनपने वाली हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है? राजू जो सेब खा रहा है वो 3 महीने पुराना है। राजू की उम्र 7 साल है। ये पेड़ 100 साल का है, पर वो सभ्यता जो यहाँ पनपी करीब 5000 साल पुरानी है और उसकी शुरुआत लगभग 3300 ईसा पूर्व में हुई। पर कोई सभ्यता कितनी पुरानी है हम कैसे जाने? हमारी धरती की कई तहों में इतिहास के कई राज छुपे हैं। तह जितनी गहरी होगी इतिहास उतना ही पुराना होगा। इस प्राचीन इतिहास को ढूंढते और अध्ययन करने के लिए पुरातत्ववेत्ता कई तहों तक अपने खास औजारों और तकनीकों की सहायता से खुदाई करते हैं। लेकिन किसी घड़े का टुकड़ा कितना पुराना है ये पता कैसे चलता है? पहले तो मिट्टी की ऊपरी सतह को हटाया जाता है। हमारे कदमों तले मिट्टी की अनेक तहें हैं। हर तह एक खास युग से जुड़ी है, यानी अलग अलग तहों से मिलने वाली चीजें अपनी सतह के हिसाब से अलग अलग युगों की होती है। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए पुरातत्ववेत्ताओं की बहुत सी टीमें कई जगहों पर सालों तक खुदाई करती रही, लेकिन जो जगह मिली वे सब एक युग की न थी। पुरातत्ववेत्ताओं ने उन्हें शुरुआती, उन्नत और उत्तर हड़प्पा युगों में बांटा है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये पुरातात्विक स्थल प्रमुख रूप से सिंधु, रावी, सरस्वती और घग्गर जैसे नदियों के किनारे मिले। ये जगह मकरान तट के सुतका गेंदुर से लेकर उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, जम्मू कश्मीर में मांडा से लेकर महाराष्ट्र के दायमाबाद तक फैली हुई थी। पुरातत्ववेत्ताओं ने इन्हें हड़प्पा सभ्यता कहना पसंद किया क्योंकि सन 1922 में पहली बार हड़प्पा से ही भारतीय उपमहाद्वीप की इस पहली सभ्यता के निशान मिले थे। ये सभ्यता इतनी फैली हुई है कि आपको हर जगह ले चलना मुश्किल होगा।
इसलिए चलिए आपको दो महत्वपूर्ण जगहों पर ले चले, एक भारत में है और दूसरी पाकिस्तान में। पहले लोथल चलते हैं, गुजरात का एक शहर जहां हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नौका घाट बनाया था। लोथल हड़प्पा सभ्यता के बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक था। जब यहाँ खुदाई हुई तो कई रोचक चीजें मिली, जिनमें बहुत सी मोहरे भी थी। क्या काम आती है ये मोहरे? विक्रय से पहले व्यापारी अपने सामान को इन मोहरों के ठप्पों से सुरक्षित करते थे। वैसे ही जैसे आजकल चीजों की पहचान लोगो या प्रतिचिन्ह से होती है, विक्रय के लिए भेजने से पहले चीजों का वजन मानक बाटों से तौला जाता था। ये बाट पत्थर के होते थे। कीमती धातुओं के लिए छोटे और बड़ी चीजों के लिए बड़े बाट इस्तेमाल होते थे। जैसे बेचने के लिए चीजों को लोथल से बाहर भेजा जाता था, वैसे ही व्यापारी मेसोपोटामिया और मिश्र जैसे दूर की जगहों से चीजें लोथल में लाते भी थे। लोथल में मिला एक नन्हा सा सिर जो सुमेरिया आज के इराक से आया था। पक्की मिट्टी का बना मम्मी का ये मॉडल सुदूर मिश्र से लाया गया था। ये इस बात के गवाह हैं कि हड़प्पा के लोग जमीन और समुद्र के जरिए देश विदेश से व्यापार करते थे। ये मोहर बताती है कि जहाजी अपने साथ पक्षी रखते थे जो जमीन की दिशा खोजने में उनकी मदद करते। इस बंदरगाही शहर के बाद आइए मोहनजोदारो चले, जहां से ये मोहर मिली थी। मोहनजोदारो जो आज पाकिस्तान में है अब खंडर भर है, पर कभी ये लोगों से भरा पूरा सरगर्म शहर था। ऊंचे दुर्ग और मीनारों से घिरी ये बस्ती दो हिस्सों में बांटी थी। कुलीनों की बस्ती ऊंचाई पर थी और साधारण लोग जिनमें किसान मजदूर और कारीगर शामिल थे निचली बस्तियों में रहते थे। कुलीनों की बस्ती की मशहूर इमारतों में एक था विशाल स्नानागार। ये आजकल की स्विमिंग पूल से मिलता जुलता था। इसमें 6 दरवाजे, बीचों बीच नहाने का तालाब, वीथियां, प्रसाधन कमरे और 8 छोटे स्नान घर थे। पुराविद मानते हैं कि ये ढांचा जल रोधक यानी वाटरप्रूफ था। वे ये भी सोचते हैं कि ये केवल धार्मिक रस्मों में इस्तेमाल होता होगा। आप हैरान हो सकते हैं कि इतना पानी आता कहां से था। ये पानी कुओं से भरा जाता था और फर्श की छोटी नालियों के जरिए बाहर चला जाता था। ऊंची बस्ती से गुजरते हुए हमें कुछ और अद्भुत इमारतें दिखती हैं। उनमें एक है अन्न का बड़ा भंडार। उसके विराट आकार से पता चलता है कि उनके पास अनाज काफी ज्यादा मात्रा में बचता होगा। ज्यादा अनाज यानी ज्यादा संपत्ति, क्योंकि बचे हुए अनाज को वे बेच सकते थे। अनाज को इन बड़े हंडों में रखा जाता था। इन कोठारों के दक्षिण में ईंटों के गोलाकार चबूतरे हैं जो शायद अनाज गाहने के लिए बने होंगे। आइए जरा निचली बस्ती भी देख आए। इस निचली बस्ती में आम आदमी रहा करते थे। यही कारीगर काम करते थे और मिट्टी के बर्तन, मनके, खिलौने और गहने बनाते थे।
हम आज भी उन मुख्य गलियों में चल सकते हैं जो शहर में सीधी चली आती हैं, बीच में समकोण पर निकलने वाली सकरी गलियों के साथ। घर इन छोटी गलियों में खुलते ताकि इनमें रहने वाले मुख्य रास्तों के शोर और धूल से बचे रहें। हर घर का प्रवेश द्वार इतना बड़ा होता कि बैलगाड़ी घुस सके। हर घर में एक कुआं और एक स्नानागार होता था जो उनकी जीवन शैली के बारे में बताता है। दरअसल साफ सफाई का बहुत बढ़िया प्रबंध किया गया था। बड़े नालों से मिलने वाली छोटी नालियों के मुहाने पर छेद वाले मटके होते थे जिससे पानी छन कर ढके हुए बड़े नाले में जाता था। ये बहुत ही अद्भुत बात है कि उनके निकास प्रणाली, रिसाव, पानी के जमाव और ठोस और पानी की मिलावट को रोकने में पूरी तरह सक्षम थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग कुशल नगर नियोजक भी थे। उनकी सड़कें पक्की ईंटों से बनी थी। सफाई रखने के लिए हर गली में एक कूड़ेदान रहता। ये कितनी दुख की बात है कि 21वीं सदी में आज भी कितने ही ऐसे कस्बे और गांव हैं जहां निवासियों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं। लेकिन आज से 5000 वर्ष पहले की हड़प्पा सभ्यता में अपने रहवासियों को ये सब सुविधाएं देने की दृष्टि और योग्यता थी। दुनिया तो अब जाकर बारिश के पानी के संग्रह की बात कर रही है, पर हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने 5000 साल पहले इसके बारे में सोच लिया था। कच्छ से मिली हड़प्पा सभ्यता की एक बस्ती धोलावीरा में इसके प्रमाण मिलते हैं। यहाँ के लोगों ने बरसात के पानी के संग्रह के लिए विशाल जल भंडार बनाए थे। हमारे बहुत से संभव सवालों के जवाब खुदाई में मिली ये मूर्तियां भी देती हैं। इन्हें देखकर लगता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही खुद को सजाने में गौरव महसूस करते थे, बिल्कुल आज ही की तरह। पत्थर की ये मूर्ति पुरोहित राजा के नाम से प्रसिद्ध है। ये तीन पत्तों की डिजाइन वाला एक दुशाला ओड़े है। इस तरह के डिजाइन मेसोपोटामिया और सुमेर में धार्मिक प्रतीकों से जुड़े होते थे। इसी से पुराविदों ने इसे पुरोहित माना। इसकी चिंतनशील आंखें भी इस बात की हामी भर रही हैं। देखिए उनकी छोटी दाढ़ी और लंबे बाल जो फीते के सहारे पीछे बंधे हैं। ये मूर्ति मातृ देवी की मानी जाती है। इस आदिवासी महिला और मातृ देवी की मूर्ति के वस्त्र परिधान में कमाल की समानताएं मिली हैं। दोनों के कमर के गिर्द एक कपड़ा लपेटा हुआ है। ऊपर के वस्त्र की जगह उन्होंने अपने आप को आभूषणों से सजा रखा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्की मिट्टी, सुंदर पत्थरों, सोने चांदी और सीपियों से बने गहनों से खुद को सज्जित करते थे। पत्थरों से बने ऐसे मनके आज भी गुजरात के खंबात में बनाए जाते हैं। खंबात हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक नगर था जहां से मनके बनाने की हड़प्पा कालीन भट्टियां मिली हैं। हम खंबात के एक मनके बनाने वाले कारीगर से मिले और मनके बनाने का तरीका देखा। हमें लगा कि 5000 साल पहले मनके बनाने वालों ने भी ऐसे ही तरीके अपनाए होंगे।
हड़प्पा सभ्यता से बहुत से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। बर्तन जब गढ़ लिए जाते तो उन्हें मजबूती देने के लिए आग में पकाया जाता। खुदाई में पक्की मिट्टी की चीजें काफी मात्रा में मिली हैं, क्योंकि पक्की मिट्टी दूसरे पदार्थों की तुलना में जल्दी नष्ट नहीं होती। आइए मिट्टी से बर्तन गढ़ने की प्रक्रिया देखते हैं, हड़प्पा के हमारे पूर्वजों के हमारे लिए छोड़ी गई एक और विरासत। अब तक आप शायद सोचने लगे होंगे, उस दौर के बच्चे कैसे थे, वे क्या करते थे, क्या उनके पास खेलने को खिलौने थे? हाँ, बिल्कुल थे। उनके पास ज्यादातर मिट्टी से बने सुंदर और रोचक खिलौने थे, क्योंकि मिट्टी सहज सुलभ थी। तक आपने मिट्टी से बनी चीजें देखी, पर कुछ चीजें मिट्टी की न थी। नाचती हुई किशोरी के रूप में जानी जाती ये छोटी सी कांसे की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता से मिली धातु की कुछ दुर्लभ वस्तुओं में से एक है। इससे पता लगता है कांसा इतने साल पहले खोजा जा चुका था और वे लोग धातु को ढालना जानते थे। भाषा किसी भी आगे बढ़ती हुई सभ्यता की निशानी है। मोहरों पर के अभिलेख, जो शायद मोहर के स्वामी के नाम हो, बताते हैं कि हड़प्पा के लोगों के पास एक लिपि थी। बदकिस्मती से अभी तक विद्वान इसको पढ़ नहीं पाए, इसलिए हमें नहीं पता कि ये अभिलेख क्या कह रहे हैं। तो फिर इस सभ्यता का क्या हुआ? विद्वान इस सभ्यता के पतन की कई वजह मानते हैं, जैसे बाहरी आक्रमण, कोई भारी बाढ़, मौसमी बदलाव या ज्यादा इस्तेमाल से जमीन और संसाधनों का क्षरण। आज इतने वर्षों बाद इतनी पुरानी सभ्यता के साथ हमारा कोई संबंध है? हमारी बुनियादी नगर योजना, ढकी हुई नालियों का प्रयोग, गहनों में रूपों की समानता, नाचती हुई लड़की के हाथ की चूड़ियां आज भी छनकती हैं। मिट्टी के बर्तन हजारों सालों से उसी तरह बनते हैं। हड़प्पा के स्थलों की खुदाई अब भी जारी है। नई नई चीजें मिल रही हैं, नई बस्तियां सामने आ रही हैं, लिपि को पढ़ने की कोशिशें जारी हैं। हर नई खोज के साथ हम अपने पूर्वजों और खुद अपने बारे में और ज्यादा जान रहे हैं। Thank you.